परिवार खड़ा बड़ा बिरलाप कर रहा है। मेरे साथियों ने उस परिवार को पूछा तो मैनू आके दसिया भी इदा इन्होंने परिवार के एक मैंबर की डैथ हो गई 24-25 घंटे बीत के पर लाश का कोई पता नहीं। मैं मीडिया तो वेला होकर उस परिवार को जो सारी गल पूछी वो कहते जी लाश नहीं मिल रही। तो अफसर साहबान तीन लाशा पे वो कहते एक लाश इस लै जाओ थोड़ा ही है। कहते असं बार बार दस रहे भी साढ़े बंदे दे कई कोई किसी ने मेकम कार कुछ ना कुछ खुदवाया। कहते असं दस रहे बार बार भी ये साढ़े मैंबर की डेड बॉडी नहीं। कहते जी कोई अफसर सुनने वास्ते तैयार नहीं। और उन्होंने मैं दसना किया भी उपर कमरे के डीसी साहब एस एस पी साहब एस टी एफ ए डी सी सारे सी एम ओ एस एम ओ उपर कमरे के जो मैं कमरे का दरवाजा खोलता। हम दोस्तों जे मेरी कोई दुश्मनी हो किसी होर अफसर में भी कह सकता भी मैं जो पीड़ित परिवार के मेरा ख्याल तीन या चार मैंबर मेरे नाल ने दो मेरे साथी नाल है। टेबल सजा हुआ उत्ते फ्रूट लग्या हुआ केले सेब रखे हुए है। एंड कांग्रेस के सबका मैंबर पार्लीमेंट संतोष चौधरी भी नाल बैठे है। तो डीसी साहब अपनी कुर्सी तो खड़े होंगे जो दरवाजा खुदा बड़ा छोटा रूम से बहुत वड्डा हॉल हैगा। उस संदर्भ मैं उस संदर्भ तुहाडे नाल साझा करन लग्या तुहानू अंदर किने आउण दित्ता गैट आउट। मैनू सुन के इन्नी राजेवाल साहब हैरानी हुई। लोगों के चुने नुमाइंदे दे प्रिवलेज ने एम पी एम एल ए वास्ते प्रिवलेज आ। मैनू इन्नी हैरानी हुई कि फिर किसी बंदे ने जाके डीसी साहब के कान दे विच दस्या भी एम एल ए है लुधियाना। मैं कुर्सी खिंच के बैठ गया तो मैं डीसी साहब नूं की कहा ये वीडियो तो पहला दी गल्लां जिहड़ियां शायद मीडिया के एक वर्ग ने प्रकाशित की उन्होंने तुसीं देख सकते हो वीडियो चलाए आ। मैं डीसी साहब नूं कहा मैं डीसी साहब ये वक्त बहुत अत्यंत दुखदाई घटना दर्दमई वक्त है इहदे विच पीड़ित परिवारां नूं निम्रता दे नाल मिलण दी जरूरत है जिहड़े शब्द तुसीं बोलदे हो। डीसी साहब मैनूं कहिंदे पता मैं की बोलना मेरी ड्यूटी कर मैं बैठा हूं कल से बैठा। बड़ा तेज तेज उन्होंने मेरिया गलों का इस तरीके जवाब दिता। फिर दोस्तों मैं कहना पिया मैं महात्मा गांधी का सत्कार जरूर करता पर मैं हैगा भगत सिंह की सोच आना। तो मैं कहना पिया डीसी साहब ये कमरा तेरे बाप का नहीं। जिथे 24 मौत हो गई हो रूलिंग पार्टी के राज्यसभा मैंबर प्रताप बाजवा जी का डिवीजन स्टेटमेंट आया कहते जिनी तेजी बहस से मुकदमा दर्ज करने की की है जो जिम्मेवार अफसर के मुकदमा दर्ज करने से गांह इदा के दुखांत ना वापर दे क्योंकि इस तो पहला बहुत सारे दुखांत चाहे वह अमृतसर रेलवे हादसा होया चाहे वह जल जीव जिहड़े एक वड्डे राजनीतिक घराने नाल संबंध रखने वाले एक सनअती परिवार ने कैमिकल वाला सीरा सुटिया कितने जल जीव मर गए। जे मौके के उत्ते मजिस्ट्रेटी जांच ना होके किसी हाई कोर्ट के मौजूदा जज तो इनकुआरी हुई होंगी संबंधित अफसर मिली होंगी सजा तो एक उदाहरण एग्जाम्पल सैट हो जाना सी भी असी ऐसी किसी फैक्ट्री किसी अदारे असी एन ओ सी जारी नहीं करना असी लाइसेंस जारी नहीं करना गर्म डीसी वाली तो एक दिन बीतण तो बाद एफ आई आर दर्ज होंगे। जो एफ आई आर दर्ज हों मैं मीडिया लुधियाने का सद के मीडिया एक गल दसी भी ये डीसी या एस डी एम वालों ए डी सी वालों दर्ज एफ आई आर नहीं ये मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों दर्ज एफ आई आर है क्योंकि सिटी सेंटर स्कैम आप सारे जानते हैं जिहड़ी गल मेरे दोस्तों ने भी पहला कही है। मैं हाई कोर्ट चलिया गया भी क्लोजर रिपोर्ट क्यों साड़ा देश का संविधान लचकीला पर कठोर है लचकीला तो कठोर है इनू लिंगर ऑन जिनी देर मर्जी कर लो पर दोषियों चाहे लालू प्रसाद यादव है तो चाहे चौटाला फैमिली है सजा मिलती है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह डीसी के गल बड़ी ललका के कहते हैं कि हाँ यह मुकदमा मैं दर्ज कराया है। अफसोस है मैं कहना पाया फिर मीडिया के मैं कैप्टन साहब ना झूठे मुकदमे तो डरदा ना पुलिस तो डरदा ना मैं जेल तो डरदा। अज हालात मैं विषय से ही बोलना मैं विषय तो बाहर कोई गल नहीं करनी। अज हालात कैसे है अज दोस्तों संगठन बन गया है चुने हुए नुमाइंदे जिन्हां दीआं गल्लां मेरे तो पहला कहिंदा भी महीना का बड़ी दूर की गल हुण तां हफ्ते की गल आ गई हुई है
ਹਲਕਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਰਧਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਫਟੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਡਲੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਨੇ, ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਗਵਾਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫੋਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ।